हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। हम में से कई लोगों ने छुट्टी के समय जेट स्की को जरूर चलाया होगा, जब आप गोवा के जैसे किसी समुद्र किनारे पर वेकेशन मनाने गए होंगे। आपको दुनिया के ऑलमोस्ट हर समुद्र किनारे पर जेट स्की दिखाई देगी। जेट स्की को आप पानी के ऊपर चलने वाली या तैरने वाली फिश कह सकते हो, क्योंकि जेट स्की का डिजाइन बिल्कुल एक फिश की तरह है। जेट स्की आपको समुद्र किनारे वेकेशन मनाने का एक बेस्ट एक्सपीरियंस देती है। लेकिन क्या आप जानते हो इस जेट स्की का इन्वेंट किसने किया? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में जेट स्की के इन्वेंटर के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टे। जेट स्की का आविष्कार क्लेटन जेकबसन टू ने किया था। उन्होंने 1973 में अपनी लेटेस्ट क्रिएशन को दुनिया के सामने पेश किया था। जेकबसन ने जेट स्की बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। जेकबसन कैलिफोर्निया में मालिबू समुद्र किनारे पर रहते थे। 1960 तक जेकबसन अपने बैंकिंग करियर में फुली फोकस थे। मालिबू में रहते हुए जेकबसन की सारी रातें समुद्र किनारे पार्टियां और नाइट स्विमिंग से भरी रहती थी। जेकबसन को बचपन से ही डर्टी बाइक बनाना और चलाना काफी पसंद था। जेकबसन डर्टी बाइक की राइड करने की सेम फीलिंग को जगाए रखना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि राइडर को गिरने के लिए एक सेफ प्लेस मिले। और उन्होंने सोचा कि पानी के ऊपर गिरना जमीन के ऊपर गिरने से दुर्घटना होने से कंपैरिजन में काफी कम दर्दनाक होएगा। काफी विचार करने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि वो केवल एक पानी पर चलने वाली मोटरसाइकिल बनाना चाहते हैं। डर्टी बाइक बनाने का उनका एक्सपीरियंस था, जो उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए जेकबसन ने अपने लॉस एंजेलिस स्थित स्टूडियो में पहली जेट स्की का इन्वेंट करने का आइडिया बना लिया। जेकबसन ने जो पहला इंजन इस्तेमाल किया था जेट स्की बनाने के लिए, वो एक यमाहा मोटरसाइकिल का इंजन था, लेकिन अभी भी ये पहला स्टैंड अप प्रोटोटाइप बनाया था। 1968 तक जेकबसन ने दूसरा प्रोटोटाइप बनाकर और उसे पेटेंट भी करवा लिया। इसके ठीक एक साल बाद उन्होंने बैठ के चलाने वाली जेट स्की का पेटेंट तैयार किया और उसे वॉटरक्राफ्ट के तौर पर पेटेंट कराया। जेट स्की के पेटेंट कराने के कुछ ही साल बाद जेकबसन ने इस प्रोटोटाइप को एक्चुअल प्रोडक्ट में बदलने के लिए कवासाकी कंपनी के साथ टाइप किया। टाइप करने के कुछ ही साल बाद 1991 की जुलाई की शुरुआत में क्लेंट जेकबसन टू ने कवासाकी को अदालत में बुलाया, ये दावा करते हुए कि कंपनी ने जेट स्की का आविष्कार करने के अपने दावे के साथ उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि कई लोग जेट स्की के आविष्कार के लिए कवासाकी को क्रेडिट देते हैं। आपको पता है आपकी मांसपेशियों को आपके हार्ट से ऑक्सीजन लेवल लेने के लिए हाई लेवल पंप करने की आवश्यकता होती है। हर दिन केवल जेट स्की 30 मिनट चलाने से आपके शरीर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की सहन शक्ति में सुधार हो सकता है, आपके शरीर के उचित रूप से बनाए रखने के लिए। जेट स्की चलाते समय अकेले मांसपेशियों के यूज से एवरेज व्यक्ति आधे घंटे की राइड से लगभग 238 कैलोरी बर्न कर लेता। जब क्लेंट जेकबसन टू ने पहली बार जेट स्की को पेटेंट कराया, तभी उन्होंने अपने इस पूरे जीवन को अपनी इस फेमस इन्वेंशन के लिए डेडिकेट कर दिया। जेकबसन को दशकों तक इन्वेंटर के तौर पर पहचाने जा सके, इसलिए उन्होंने कवासाकी के साथ कोर्ट में काफी समय तक लड़ाई लड़ी। उसके बाद ही उन्हें एक इन्वेंटर के तौर पर आज हम जान सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जेट स्की का इन्वेंट हुआ था। आशा करता हूँ जेट स्की के इन्वेंशन की ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बने।